चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नया एग्जाम। थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, खाली स्टेप समझ के करना और फिगर प्रॉपर ड्रॉ करना। चलो बच्चा तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है, द स्टैचू इज प्लेस ऑन द 50 मीटर टॉल स्ट्रक्चर। तो अभी बोला हुआ है कि एक स्टैचू है जो हमने कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, एक स्ट्रक्चर पे, टॉल स्ट्रक्चर पे हमने किया हुआ है। तो कहने का मतलब, तो बच्चा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बना देते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ तक स्ट्रक्चर है जो बोल देंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया और आप बोलोगे यहाँ पे जो है वो स्टैचू है, इतना हमें पता चल गया। अभी ये स्ट्रक्चर जो है वो 50 मीटर है, इतना हमें बोल दिया है तो हमने लिख दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ स्टैचू आर 60 एंड 40। तो हमने यहाँ पे ग्राउंड एक ड्रॉ कर दिया जिसके अंदर यहाँ से हम देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं बॉटम पे और दूसरी बार देख रहे हैं हम टॉप पे। तो इतना हमें इंफॉर्मेशन हमारे हिसाब से दिया हुआ है। जो टॉप का एंगल है बच्चा उसका 60 है, तो आप बोलोगे सर ये एंगल होगा 60 होगा और जो बॉटम का एंगल है वो है 45। तो हमने ये लिख दिया 45। इसके बाद बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ स्टैचू, स्टैचू की हाइट हमें ढूंढनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो लिखना है, सबसे पहले यहाँ हम नेम लिख देते ए बी सी डी। तो यहाँ पे जैसे ही आप लिखोगे, इसके बाद आप बोलोगे सर सिंपल वे में फर्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा वो आप बोलोगे सर बी सी इज अ स्ट्रक्चर 50 मीटर हाई, 50 मीटर ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद आप बोलोगे सर ए बी इज अ हाइट ऑफ अ स्टैचू। एंड उसके बाद बच्चा हम करना शुरू करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे, तो बच्चा फिक्स ही रहेगा हमारा ये 45 वाला, क्योंकि 45 से क्या होता है बच्चा ऑलवेज उसकी वैल्यू 1 होती है, तो कैलकुलेशन करने में इजी रहता है। आपको आगे पीछे थोड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क कट हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान में भी रखना है आपको। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर इन ट्राइंगल बी डी सी, तो बी डी सी ट्राइंगल लेते हैं, इसके अंदर आप लिखोगे 10 45 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये जो है पी अपॉन बी जो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस जो है हमारा डी सी है एंड जो परपेंडिकुलर है वो बी सी है। तो आप बोलोगे सर ये हो गया जे 10 45 है वो 1 है, बी सी जो है वो 50 है और डी सी जो है वो हमें नहीं पता, तो DC को सामने ले जाएंगे तो आप बोलोगे सर 50 वो हमें पता चल गया। तो इतना हमें क्लियर हो गया, जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है सेम वे आप बोलोगे सर दूसरा एक ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ACD। तो ACD लेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे इस बार सर 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो AC और यहाँ पे अपॉन में होगा DC, यहाँ की जो वैल्यू है 1/√3। आप बोलोगे सर 10 60 की वैल्यू होती है वो √3 होती है, क्या होती है बच्चा √3। AC जो है तो वो आप बोलोगे सर AB प्लस BC और DC हमें पता है कितना, यहाँ ढूंढ के रखा हुआ है 50, तो आप बोलोगे सर ये √3। AB की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता लेकिन हमें BC की तो वैल्यू पता है 50, तो यहाँ हमने 50 लिख दिया, 50 सामने ले जाएंगे तो √3 और यहाँ पे हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 50 और ये 50 जो था एक स्टेप में ही रखते हैं। चलो तो यहाँ पे AB प्लस 50 को सामने ले जाएंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ -50 इज इक्वल टू AB, 50 कॉमन निकाल दो बच्चा, तो आप बोलोगे सर √3 - 1, तो आप बोलोगे सर ये भी हो गया। इसके बाद बच्चा आप √3 की वैल्यू, आपको पता है √3 इज इक्वल टू 1.73, सपोज वैल्यू दी हुई है तो की बात करते हैं, नहीं दिया तो ये हमारा आंसर होगा लेकिन कैलकुलेशन के वक्त प्रॉब्लम होगी तो हम आगे जाएंगे। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे 50 1.73 - 1 इज इक्वल टू AB, आप बोलोगे सर यहाँ √3 की जगह आपने वैल्यू रख दी, तो 50 - 50 × 0.73 AB और यहाँ पे हम लिखेंगे 0.73 × 5 कर देंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे 365 पहले दो पॉइंट जाना है तो दो पॉइंट लिख देंगे और यहाँ एक जीरो है तो 36.5। तो आप बोलोगे सर हमारा काम हो गया, AB भी हमें मिल गया
जो वी हैव उनकी स्टैचू की हाइट होगी 36.5। आई होप बच्चा कि आपको इजीली ये समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बस थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा स्टेप और आगे पीछे लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क कट हो जाएंगे, तो वो ध्यान में रखना है बच्चा। यहीं हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलेंगे नए लेक्चर में नए पॉइंट के साथ।